गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रेन में हमारी सुबह हो चुकी है और बस हरदोई हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। मैक्सिमम 25 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। हम लोगों का रात भर का संघर्ष रंग लाया तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं हरदोई स्टेशन पर। हम लोग हरदोई पहुंच गए। तो एक्चुअली पहले प्लान था कि मौसा जी हम लोगों को स्टेशन पर रिसीव करने आएंगे, बट हम लोगों की ट्रेन हो गई लेट और मौसा जी ऑफिस में हो गए थोड़ा सा बिजी, तो उन्होंने ना अपनी फैक्ट्री की एक गाड़ी भेजी, क्योंकि ये गाड़ी है तो हम लोगों को इस गाड़ी से जाना था मौसा जी के घर तक। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल जाते हैं सामान वगैरह रख करके, और मतलब जो ये आए थे लेने के लिए ना, तो वो मतलब फैक्ट्री के ही है, तो हम लोग बैठ गए आराम से, कोई भी ऐसा इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग बैठ गए थे, जान पहचान भी थी, तो निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ से करीब लगता है 45 मिनट से एक घंटा अप्रॉक्स मान कर चलिए फैक्ट्री तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर मौसा जी का घर है। तो हम सब मतलब बहुत सुपर एक्साइटेड थे, 2-3 सालों के बाद हम जा रहे थे, तो ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर अंदर, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है फैक्ट्री की। ये बहुत बड़े में बना हुआ है, मतलब कि आप अगर एक बार निकलो ना तो पूरी फैक्ट्री एक राउंड में तो आप बिल्कुल भी नहीं कवर कर सकते हो। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस था, पहले मौसा जी अलग जगह पर रहते थे, अभी वो अलग उसमें शिफ्ट हुए हैं बंगलों में। तो ये यहाँ पर ना हम लोग, अभी शिफ्टिंग चली रही है मौसी की और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने कहा हम लोग आते हैं और फिर आपका सामान सेटअप करा देते हैं, आप ज़्यादा परेशान ना होना। लेकिन मौसी हमारी ना अभी आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करने दे रही है कि आप सेटिंग करा लें या सामान हम लोग इधर से उधर सेट करके रख दें, कुछ भी नहीं। तो घूम टहल कर, मतलब बहुत ही लंबा रास्ता नहीं था, मेन गेट से थोड़ी ही दूर की डिस्टेंस पर फिर आ जाता है मौसी जी का घर। और यहाँ की हरियाली ना आपको क्या बताएं, आगे के व्लॉग्स में आपको ना दिखाएंगे हम जब हम इवनिंग में निकलते हैं ना तब। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है तो ऐसा वॉक करके दिखा नहीं सकते। फाइनली ये है जहाँ पर मौसी जी रहती हैं, ये पूरा उनको मिला हुआ है और हम लोग पहुँच जाते हैं। और ना यहाँ पे इतनी तेज धूप है, राघव कह रहा है कि हम लोग यहाँ पहुँच तो गए, रिद्धि को नहीं लाए। एक्चुअली उसके दीवार पर सेट था उसकी छोटी सिस्टर, वो उसे छोड़ कर गया था, बीच बीच में बहुत मिस कर रहा था। और ये है मेरी मौसी जी की लड़की, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, और एक खुशी का ठिकाना नहीं था। और अंदर मेरी मौसी, और हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं फ्रेश व्रेश होकर के, नहा धोकर के, बच्चे लग गए थे टीवी देखना। मैं है मौसी, क्या मौसी मतलब मेरी मौसी सास है, मेरी मदर इन लॉ के सिस्टर। तो अभी यहाँ पर शिफ्टिंग का ही काम चल रहा है। एक्चुअली मौसी रहती थी पहले दूसरे फ्लैट में फैक्ट्री में ही, अब उनको दूसरा जो है अलॉट हुआ है बंगलो। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, अभी यहाँ पर शिफ्टिंग का काम चल रहा है। ट्रेन हमारी एक घंटे लेट थी, बस अभी नहा धोकर के फ्रेश होकर के बैठे। तो मौसी के यहाँ भी काम मिल गया है चावल बीनने का, मौसी ने साफ कहा अगर खाना खाना है तो चावल बीन के दो। तो लंच करने के बाद हम सभी लोग रात भर जगे हुए थे ना, तो फिर मौसी के यहाँ पहुँच के फ्रेश फ्रेश होकर नाश्ता किया, लंच किया, उसके बाद सब धड़ल्ले से सोई और फिर उठे हैं शाम के 6:30-7 बज रहा था। फिर हम लोग ना निकल गए थे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। एक्चुअली ये जो फैक्ट्री है, सोसाइटी है ना मौसा जी की, तो वहाँ पर ना अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा, स्कूल मिलेगा, प्ले ग्रुप स्कूल मिल जाएगा आपको, और पार्क मिलेगा एक्सरसाइज के लिए मिलेगा, झूले बहुत तरह तरह के हैं, बड़ी सी फील्ड मिलेगी, और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अंदर ना मिल सके, मतलब सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। तो बस हम लोग निकल गए थे और ऐसे थोड़ा सा घूमा टहला सारी चीज़ें की, देख आप देख रहे होंगे ना बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी लोग कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जगह में बनी हुई पूरी फैक्ट्री, फैक्ट्री भी यहीं पर अंदर ही है, और अलग अलग ना सबको फ्लैट और मतलब डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सबको फ्लैट बंगलो और ऐसा ना अलॉट हुआ है। तो बस हम लोग यही सब निकल गए थे थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए। मतलब एक तो यहाँ पर ना एटमोसफियर बहुत अच्छा है, हर तरफ आपको हरियाली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत सी मस्ती की, आगे भी करेंगे, आगे के व्लॉग के लिए आप ज़रूर बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाय।